या ये रेसिपी ना उन लोगों के लिए लेके आई हूँ मैं जिनको नान खटाई बहुत पसंद है और बनाना नहीं आता है। तो अगर आप इस रेसिपी से, इस मेजरमेंट के हिसाब से अगर आप नान खटाई बनाओगे ना, तो एकदम जैसे मेरे बने ना वैसे ही आपके जो बिस्किट बनने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। सबसे पहले अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो यहाँ पर सबसे पहले ना आपको एक कटोरी घी लेना, अगर आप घी लोगे ना तो ज़्यादा परफेक्ट रहेगा। और एक कटोरी आपने पीसी हुई चीनी लेनी है। अगर आप मीठा कम खाते हो तो आधी कटोरी आप ले सकते हो, ठीक है। इन दोनों को अच्छे से ब्लेंड करना। अगर आपके पास ब्लेंडिंग मशीन नहीं है तो आप फॉक के साथ या विस्कर के साथ जो है इसको अच्छे से स्मूथ कर सकते हो। मतलब आपको इतना स्मूथ करना है इसको जब तक ये फ्लफी ना हो जाए, एकदम हल्का ना हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे एक कटोरी मैदा डालो और आधी कटोरी बेसन डालो और 4 से 5 चम्मच सूजी के डालो। 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर ऐड करो और 1/2 टेबलस्पून सोडा, बेकिंग सोडा, ठीक है। अब थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट आप इसमें डाल सकते हो। और यहाँ पे मैंने फ्लेवर के लिए ना कार्डमम पाउडर, इलायची का पाउडर यूज़ किया और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स के जो फ्लेक्स होते हैं ना वो मैंने इसमें ऐड किए। अगर आप चाहो आप कर भी सकते हो, वरना मत करो, ठीक है। पिस्ता कर सकते हो, मैंने यहाँ पे पिस्ता और आलमंड दोनों किया था। अब आपने जितना भी उसमें घी हमें डाला था ना, आपने कोशिश करनी है कि उतने ही घी के साथ आपका जो ये डो ना बन जाए, जैसे हम आटा गूंथते ना ठीक उसी तरीके से। अगर आपको लगे कि बहुत ज़्यादा ड्राई हो गया ना, तो आप इसमें ना 2 या 3 चम्मच दूध डाल सकते हो, लेकिन कोशिश करना कि ना डालो, ठीक है। अब यहाँ पे इसको ना सेट करने के लिए रख दो उस डो को 1/2 घंटे के लिए। तब तक यहाँ पे ना 15-20 मिनट के लिए हम यहाँ पे ओवन को प्रीहीट करते हैं। अगर ओवन है तो ठीक है, अगर नहीं है तो एक पतीले में इस तरह से नमक डालो, स्टैंड रखो, ढक के उसको 15 मिनट के लिए गर्म होने दो। तब तक यहाँ पे एक आप स्पून ले लो, ठीक है, एक मेजरमेंट ले लो जिस हिसाब से आपको, जिस मीन जैसे आपको शेप देनी है वैसे आप ले लो। वैसे मैंने चम्मच के साथ अपने हिसाब से मेजरमेंट लिया था, तो मैं गोल गोल ऐसे बनाते जा रही थी। आप देखोगे जब आप बनाओ यहाँ टूटेगा, लेकिन यहाँ पे आपको वैसा कुछ नहीं है, टूटेगा नहीं, थोड़ा सा आपको लगता है, लेकिन बॉल जो है ईजिली बन जाती है। आपको इसको पूरा फ्लैट नहीं करना है, एकदम इसको ना मतलब गोल रखना है, जैसे लड्डू होता है ना उसी तरीके से रखना है। क्योंकि अगर आप इसको फ्लैट कर दोगे ना तो ये और फ्लैट हो जाएगा और आपके जो ये बिस्किट हैं वो ख़राब हो जाएंगे। बस ऊपर गार्निशिंग के लिए यहाँ पे मैंने पिस्ता और आलमंड्स लगाए हैं, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले मैंने प्लेट ली थी, उसके ऊपर मैंने बटर पेपर रखा था, फिर उसके ऊपर मैंने ये बिस्किट रखे थे, क्योंकि नीचे से अगर चिपके ना बिस्किट, ठीक है, बटर पेपर से क्या होगा कि बिस्किट जो है उसी के ऊपर रहेंगे, और बेकिंग पेपर भी आप बोल सकते हो उसको। अब मैंने एक कटोरी रखी है और जो ये ट्रे थी ये बहुत गर्म था गाइस, तो मैंने फटाफट फेंक दिया और बस इसको ऐसे सेट कर दिया। अब इसको ढक के रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। बीच में चेक नहीं करना है, बस थोड़ी देर के लिए करो अगर आपको स्मेल वगैरह आ रही है, ठीक है, वरना 15 से 20 मिनट के लिए इसको आराम से पकने दो। तो देखो 20 मिनट के बाद यहाँ पे मेरे नान कटाई बनके रेडी हो गई है, ठीक है। सेम मैंने कुछ माइक्रोवेव में बनाई है, ये मैंने जो आपको दिख रहे ना थोड़े ज़्यादा ब्राउन ब्राउन है, ये मैंने जो है उसमें बनाया है, पतीले में बनाया है, लेकिन जो अभी आप ये देख रहे हो ना ये वाइट वाइट है, ये मैंने माइक्रोवेव में बनाया है। तो दोनों में डिफरेंस तो आता है कलर का, लेकिन टेस्ट सेम होता है। तो यहाँ पे देखो बनके रेडी हो गए, आप एक बार ट्राई करो। अगर आप मेरी रेसिपी ट्राई करते हो ना तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताया करो, मुझे अच्छा लगता है कि किसी ने मेरी रेसिपी ट्राई की है, ठीक है। तो यहाँ पे चाय के साथ सर्व करो या जैसे भी आप खाते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।